2021 में टीवी पर कई शोज की एंट्री हुई थी, जिसे लेकर लग रहा था कि ये टीआरपी लिस्ट में तूफान मचा देगा। शुरुआत में इन सीरियल्स को लेकर लोग मान बैठे थे कि ये अनुपमा की नंबर वन की गद्दी तक छीन सकते हैं, लेकिन लोगों की ये अटकलें गलत निकली। कुछ ही दिनों में इन सीरियल्स की टीआरपी गिरने लगी और ये जनता के लिए भी सिर का दर्द बन गए। इनमें से कुछ टीवी शोज तो 2 महीने में ही बंद कर दिए गए। बताते हैं आपको ऐसे 7 टीवी शो के बारे में जो पिछले 6 महीने के अंदर ही बंद किए जा चुके हैं। चाशनी, अमनदीप सिद्धू और सई केतन राव स्टारर शो चाशनी 2 महीने भी ठीक से नहीं चल पाया। शो को कुछ ही दिनों में बंद करना पड़ा। ये शो 2 बहनों के ऊपर था, जिसमें से छोटी बहन बड़ी की सास बन जाती है। मोल की टू, विधि यादव और आशीष कपूर का मोल की टू 1.5 महीने में ही बंद करना पड़ा, जबकि शो का पहला सीजन काफी हिट साबित हुआ था। लग जा गले, 2023 में ही शुरू हुआ शो लग जा गले भी सुपर फ्लॉप साबित हुआ। तनिषा मेहता और नमिक पॉल के इस शो को मई में बंद भी करना पड़ा। बता दें कि इस शो के जरिए नमिक पॉल ने लंबे समय के बाद वापसी की थी। तेरे इश्क में घायल, वैम्पायर डायरीज की कहानी पर बना तेरे इश्क में घायल लोगों को काफी पसंद नहीं आया। कुछ ने तो इसे सस्ती वैम्पायर डायरीज का टैग दे दिया। शो को लेकर खबरें हैं कि इसे अब टीवी से हटाकर ओटीटी पर शिफ्ट कर दिया गया। अग्नि साक्षी, शिविका पाठक और आशय मिश्रा का अग्नि साक्षी इसी साल फरवरी में शुरू हुआ था, लेकिन शो को कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला। शिविका पाठक के शो को लेकर भी खबरें थी कि ये शो जल्द बंद होने वाला है। बेकाबू, शालिन भनोट और ईशा सिंह के बेकाबू को शुरुआत में जनता ने खूब प्यार दिया, लेकिन आपको बता दें कि ये शो भी बंद हो चुका है और अब ये शो ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर टेलीकास्ट किया जाएगा। मेरी सास भूत है, काजल चौहान और विभव रॉय का मेरी सास भूत है ऑडियंस के सिर के ऊपर से जा रहा है। इस शो को भी कोई खास टीआरपी नहीं मिल रही। ऐसे में इसकी हालत सुधारने के लिए मेकर्स ने फिलहाल लीप प्लान किया है, लेकिन अगर लीप काम नहीं करता तो ये शो आने वाले दिनों में बंद कर दिया जाएगा।